नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का पाठ्यक्रम। ठीक है, यानी कि इस उत्तर प्रदेश का जो भी सिलेबस है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सामान्य ज्ञान की। ठीक है दोस्तों, सामान्य ज्ञान की बात करें तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ठीक है, इसके बाद भारतीय कृषि के बारे में भी पूछा जाएगा, वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में भी पूछे जाएंगे, जनसंख्या संबंधित प्रश्न आने आएंगे, पर्यावरण एवं नागरीकरण के प्रश्न आएंगे, भारत का भूगोल रहेगा उसमें विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित में विशिष्ट जानकारी रहेगी। इसके बाद राजस्व, फिर पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से भी प्रश्न आने वाले हैं, और मानवाधिकार से प्रश्न आएंगे आपके, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आतंकवाद से संबंधित भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच जो संबंध है या जो समझौते होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे, नए अपडेट वाले जो कि करंट अफेयर्स में मतलब हुए हैं वही से प्रश्न बनेंगे आपके। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जो कि घटनाएँ होती हैं वह लाइए, जैसे कि कोई अपने देश का राजनेता या प्रधानमंत्री या कोई मंत्री विदेश गया, या फिर किसी राज्य देश का मंत्री देश भारत में आया, तो उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर इसमें बनेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय एवं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बनेंगे, जो संगठन होते हैं उनका मुख्यालय पूछा जा सकता है, या फिर जो 6 महीने के अंदर जिनका कुछ हुआ है नया, जैसे कि सम्मेलन हुआ है या फिर कोई सदस्य जोड़ा गया है, उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर इस टॉपिक में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा आपका साइबर क्राइम के बारे में, फिर अगला है वस्तु एवं सेवा कर के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है आपका पुरस्कार और सम्मान के बारे में। ठीक है दोस्तों, पुरस्कार और सम्मान के बारे में ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि अभी नोबेल पुरस्कार मिला है और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, इसलिए पुरस्कार और सम्मान के बारे में कम से कम एक या दो प्रश्न तो बन ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों देश और राजधानी मुद्राएं भी पूछी जाएंगी। दोस्तों, देश राजधानी मुद्राएं उन्हीं देश की राजधानी मुद्राएं पूछी जाती हैं जो कि करंट में चलचलित होती हैं, जो कि हाईलाइट होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस। दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस भी आपसे लगभग 6 महीने के ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, पुस्तकें वही पूछी जाती हैं जो कि लेखक कुछ यहाँ पर हाईलाइट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो टॉपिक हाईलाइट होता है उससे संबंधित पुस्तक पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में भी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन के बारे में भी प्रश्न यहाँ पर बनने की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पर बनेगी, एक ही प्रश्न तो इसका आएगा ही। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरा दूसरा टॉपिक है अपना सामान्य हिंदी। ठीक है, दूसरा टॉपिक सामान्य हिंदी है। हिंदी की बात करें दोस्तों, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा? तो दोस्तों, हिंदी में जो भारतीय भाषा है वह सब हिंदी पूछ है, और इसके बाद हिंदी व्याकरण भी पूछी जाएगी। कौन सी हिंदी व्याकरण रहेगी, इसमें क्या क्या रहेगा? तो इसमें वर्णमाला रहेगी, तद्भव तत्सम रहेंगे, पर्यायवाची रहेंगे, विलोम शब्द रहेंगे, अनेकार्थी शब्द रहेंगे, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द रहेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा आपका समरूपी, अगला टॉपिक रहेगा अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अगला टॉपिक लिंग रहेगा, वचन रहेगा, कारक से इस भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ब्राह्म चिन्ह, मुहावरे एवं लोक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आपका रहेगा रस, छंद, अलंकार और अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि पूछे जाएंगे,
ठीक है, उसकी रचनाएं पूछे जाएंगे और हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो पूछे जाएंगे और भी कुछ विविध से प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक्स सब बहुत सारे हैं, यहाँ पर मैं हर टॉपिक को एक एक करके बता दिया है। ठीक है दोस्तों, दो सब्जेक्ट दो चैप तो क्लियर होगा। इसके बाद तीसरा पे आते हैं, तीसरा पॉइंट रहेगा अपना संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। ठीक है, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, इसके इसकी बात करें दोस्तों, यह दो भागों में विभाजित है। पहला है संख्यात्मक योग्यता और दूसरा रहेगा आपका मानसिक योग्यता। ठीक है, पहला रहेगा संख्या, तीसरा पार्ट में है इसमें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। यह दोस्तों दो भागों में डिवाइड है। पहला है संख्यात्मक योजना और संख्यात्मक योग्यता और खा पार्ट रहेगा आपका मानसिक योग्यता। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर संख्यात्मक योग्यता के बारे में। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर पहला चैप्टर आपका रहेगा क्या, संख्या पद्धति रहेगा। पहला चैप्टर क्या रहेगा, संख्या पद्धति। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा सरलीकरण। ठीक है, और तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा दशमलव और भिन्न। चौथा सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा आपका महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समवर्तक, यानी LCM रहेगा। ठीक है, LCM और SCF रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर आपका रहेगा अनुपात और समानुपात। ठीक है, यानी कि रेशियो एंड प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद अगला रहेगा आपका परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। ठीक है, अगला चैप्टर आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ हानि का चैप्टर रहेगा आपका। फिर अगला टॉपिक रहेगा आपका डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है आपका साधारण ब्याज, इसके साथ ही है चक्रवृद्धि ब्याज, इसके साथ भागीदारी या फिर साझेदारी भी कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद है औसत, फिर टाइम एंड कार्य रहेगा। इसके बाद इसके फिर उसके अगला टॉपिक है टाइम और दूरी, यानी कि समय और दूरी रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों सारणी वाले प्रश्न भी आएंगे, या फिर आप ग्राफ का प्रम भी बोल सकते हैं कि ग्राफ वाले प्रश्न भी यहाँ पर बनने बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मेंसुरेशन ज़्यादा, यानी मेंसुरेशन 2 से 4 नंबर की यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, इसके साथ है दोस्तों यह अंक गणितीय संगणना है व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य भी यहाँ के प्रश्न बनेंगे। और दोस्तों जो भी अब यहाँ पर प्रश्न वह विविध से भी बनेंगे, जो कि सामान्य या सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, जो कि अक्सर सभी पर बनना नामुमकिन होते हैं, जो अच्छी स्टडी करते हैं केवल उन्हीं पर ये प्रश्न विविध के बनते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लास्ट टॉपिक अपना बच्चा मानसिक योग्यता। ठीक है, यानी कि यह रीजनिंग में आता है। ठीक है, यह रीजनिंग का पार्ट है दोस्तों। इसमें आपको तार्किक आलेख वाले प्रश्न मिलेंगे, टॉपिक से मिलेंगे, सांख्यिकी संबंध विश्लेषण से मिलेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान से मिलेंगे, बोध से मिलेंगे, रचना शब्द शब्द रचना परीक्षण से मिलेंगे, अक्षर और श्रृंखला संख्या श्रृंखलाओं से मिलेंगे, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूप से मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण से मिलेंगे, दिशा ज्ञान परीक्षण से मिलेंगे और आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण से भी आपको रीजनिंग में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला आपका चैप्टर रहेगा कुछ इसमें जे भी कंप्लीट रीजनिंग का है, वो थोड़ा रीजनिंग का था, यानी कि कुछ कुछ रीजनिंग था, यह पूरा का पूरा रीजनिंग वाला टॉपिक रहेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों रीजनिंग में बात करते हैं दोस्तों, यह भी दो पार्टों में बटा हुआ है, पहला मानसिक अभिरुचि और दूसरा है बुद्धि उपलब्धि। ठीक है, इसमें दोस्तों सबसे पहले बात अपन यहाँ पर करते हैं मानसिक अभिरुचि की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए पूछे जाएंगे जो दृष्टिकोण रहते हैं उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे आपके यहाँ पर, जैसे कि जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था रहेगी, संप्रदाय सद्भावना वाले प्रश्न, अपराध नियंत्रण से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, विविध का शासन क्या है, अनुकूलन की क्षमता क्या रहेगी, व्यावसायिक सूचना क्या रहेगी, आपकी पुलिस प्रणाली क्या रहेगी यहाँ पर, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था आपकी क्या रहेगी यहाँ पर, व्यवसाय के प्रति रुचि क्या रहेगी, मानसिक दृढ़ता क्या रहेगी दोस्तों। तो यह सभी कुछ आपसे रीजनिंग में यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है IQ। ठीक है, IQ संबंधित यहाँ प्रश्न बनने वाले, जैसे कि संबंध व आंशिक समानता के परीक्षण वाला टॉपिक रहेगा। ठीक है, इसके बाद असामान्यता को चिन्ह करना भी आपको यहाँ पर एक टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। इसके बाद श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण है, यानी श्रृंखला पूरी करने वाले प्रश्न यहाँ पर आएंगे, सांकेत लिपि और सांकेत लिपि को समझने वाले प्रश्न आएंगे, दिशा ज्ञान परीक्षण आएगा। ठीक है, डायरेक्शन वाले प्रश्न यहाँ पर आएंगे, ब्लड
रिलेशन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आएंगे, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न आएंगे, और समयक्रम परीक्षण पर आधारित प्रश्न आएंगे, और आरेख और चार सादृश्य परीक्षण से संबंधित प्रश्न आएंगे यहाँ पर, और गणितीय युक्तता से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्रम में व्यवस्थित करना भी में आएंगे, यानी क्रम से जमाना भी, अरेंजमेंट यानी इसको बोलते हैं अरेंजमेंट का चैप्टर भी यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लास्ट टॉपिक यहाँ पर बचा है तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें तो जाना ही चैप्टर रहेंगे, जैसे कि समरूपता रहेगी आपकी, समानता वाला चैप्टर, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या का को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्माणात्मक क्षमता, स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध अवधारणा, अंकीय तर्क, शब्द और सांस्कृतिक वर्णीकरण, अंकीय संख्या श्रृंखला, और भी दोस्तों यहाँ पर अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों के सामंजस्य की क्षमता यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यह रहा पूरा यूपी पुलिस का यहाँ पर सिलेबस जो हमने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किया है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।